हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए, मैं पोहे और रवे से बढ़िया क्रिस्पी नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो मैंने पोहा है, एक बाउल पोहा लिया है और पोहे को खूब अच्छे से धो लेंगे। धो के 5 मिनट के लिए भिगो देंगे इसको। देखिए, पोहा हमने धो लिया है, अब धो के इसको 5 मिनट के लिए भिगो देंगे, पोहा हमारा अच्छे से फूल जाए। और इधर रवा मैंने आधा कप लिया है, 1 कप पोहा है तो 1 कप रवा, रवा में आधा कप, उसमें भी पानी डाल करके रवे को भी भिगो देंगे। अब ये दोनों चीज़ें हमारी 10 मिनट के लिए भीग जाए, उसके बाद जो है हम इनको मिक्सी में डाल करके पीसेंगे। देखिए, चूरा हमारा बढ़िया पोहा खूब अच्छे से भीग गया है। अब इसको मिक्सी में डाल करके और इसी में रवे को भी डाल देंगे। रवा भी हमारा फूल चुका है, इसी में रवे को भी डाल देंगे और इसमें हरी धनिया, 1 मिर्च और थोड़ी सी अदरक, 1 इंच अदरक और स्वाद अनुसार नमक डाल करके सब चीज़ें इसको खूब अच्छा, बहुत बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पेस्ट बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा पेस्ट बनके एकदम तैयार हो गया है। देखिए, तवे पे हल्का सा तेल लगा करके और तवे को ऐसे पोंछ लेंगे और बिल्कुल मीडियम आंच पे आप इस पे अपना बैटर डालेंगे। किसी चीज की सहायता से अच्छे से फैला लीजिए। फैल गया बढ़िया। इसको थोड़ा सा चारों तरफ से तेल लगा करके या घी लगा करके आप इसको सेक लीजिए, अच्छे से हमारा ये सिक जाए। देखिए, हमारा खूब अच्छे से ये सिक गया है, बढ़िया से सिक गया है। अब इसको आराम से थोड़ा सा ऑयल ऊपर भी लगा दीजिए और इसको पलट लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सिक करके तैयार हो गया है। क्योंकि ये रवे के और पोहे के हैं तो इससे बड़े क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सुबह आप ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। आप चटनी के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको अच्छे से खा सकते हैं। दोनों साइड से सेक लीजिए और आपको इसमें प्याज भरना है भर लीजिए, प्याज टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, आलू हो आलू भी आप भर सकते हैं। देखिए बढ़िया सिक रहा है, दोनों साइड से अच्छा सा सिक जाए, फिर इसको इसमें थोड़ा सा आलू भर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सिक करके तैयार हो गया। अब आप इसमें आलू भर दीजिए, आलू है, प्याज है, जो आपको पसंद हो, जो भी चीज आप उसको भर सकते हैं इसमें। देखिए बढ़िया हमारे डोसे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया डोसे बनके तैयार हो गए हैं। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।